इज़ मिनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल डेली रिव्यू। सो फ्रेंड्स, आज जो प्रोडक्ट रिव्यू मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस, मेरे पास है ये क्लीन एंड ड्राई का इंटीमेट डेली पाउडर दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये जो इंटीमेट पाउडर है दोस्तों, ये आता है 4 रुपीज़ 59, 60 रुपये से 1 रुपये कम की इसकी प्राइसिंग है। 50 ग्राम का ये प्रोडक्ट है दोस्तों, और ये एक कम्प्लीटली फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है गाइस, जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे एक फ़ीमेल यहाँ पे प्रिंटेड है दोस्तों। और इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। जिन महिलाओं को रैशेस की प्रॉब्लम होती है उनके इंटीमेट एरियाज़ में, तो वो डेफ़िनेटली इसे जो है यूज़ कर सकती है। प्रेग्नेंट है अगर आप, तो प्रेगनेंसी में इसे ना यूज़ कीजिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी का मामला काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो प्रेगनेंसी में तो मैं डेफ़िनेटली नो बोलूँगी कि इसे ना यूज़ कीजिएगा आप। बाकी इसे हर एक एज कैटेगरी की महिला यूज़ कर सकती हैं। उनको अगर लोअर बॉडी में इंटीमेट एरियाज़ में उन्हें कोई तकलीफ़ होती है, रैशेज हो गई। रैशेज़ की प्रॉब्लम दोस्तों अनेक वजहें हैं होने की, जैसे कि कुछ महिलाओं को पीरियड्स की वजह से इंटीमेट एरियाज़ में जो है रैशेज हो जाती है स्किन के ऊपर। एंड समर्स जैसे कि अभी चल रहे, तो गर्मी भी एक वजह, बहुत बड़ी वजह है समर्स में जो रैशेज़ की प्रॉब्लम होती है, पसीना वहाँ पर जम जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, तो समर्स की तो एक बहुत बड़ी वजह है। एंड वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम लोगों को होती है, तो उनको रैशेस की प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत फेस करनी पड़ती है। तो ये पाउडर आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए, ये आप डेली इसे यूज़ कर सकते हैं, सुबह के टाइम, रात के टाइम, आप इसे जितनी बार भी चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं। वन डे में आपको इसका जो फ़र्क है वो नज़र आना चालू हो जाएगा गाइस। यस दोस्तों, ये इतना इफेक्टिव है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो वेटनेस ऑल डे फ्रेशनेस, सो यस, ये बाकी के टैल्कम पाउडर्स के जैसे नहीं है कि लगाया और आधे घंटे के लिए आपको रिलीफ मिली है एंड देन वो चीज़ वापस से कंटिन्यू होगी, नहीं। इसकी तासीर कम्प्लीटली अलग है, ये काम करता है एंड ये आपको मतलब फ्रेशनेस जो है आपकी लंबे समय तक आपको राहत देगा ही देगा। एंड यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है कि क्लीन एंड ड्राई डेली इंटीमेट पाउडर इज़ FDA अप्रूव्ड एंड इट कीप्स योर वजाइनल एरिया क्लीन, स्वेट फ्री, फ्रेश ऑल डे। तो ये डेफ़िनेटली काम करता है गाइस। एंड इसका एक वॉश भी आता है क्लीन एंड ड्राई का। क्लीन एंड ड्राई के बहुत वेरिएशंस आते हैं गाइस, वॉश मेरे पास है, तो नेक्स्ट वीडियो क्लीन एंड ड्राई के वॉश की आएगी गाइस मेरे चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड वी वॉश की रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे की हुई है गाइस, तो इनकेस अगर आपने नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी बात की जाए ये क्लीन एंड ड्राई की, तो डेफ़िनेटली टीनेजर्स हो गए, या अगर आप कोई भी एज कैटेगरी के, अगर आपको वजाइनल एरिया में अगर आपको कोई तकलीफ़ है, अगर आपकी स्किन जो है वो रेडनेस में टर्न हो गई है, रैशेज हो गए हैं, इसे आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए। मैं आपको इसका टेक्सचर बता देती हूँ, ये देखिए, ये मैंने खोला इसे और मैंने इसे यहाँ पे रखा एंड यू गाइस कैन सी वाइट कलर की बेस है ये आप देख सकते हैं, और काफ़ी मैट टेक्सचर है इसका, आप लोगों ने देखा बहुत मैट टेक्सचर है, बहुत इजीली ग्लाइड हो जाता है। खुशबू काफ़ी फ्लोरल टाइप की इसकी खुशबू है और काफ़ी उभर के इसकी खुशबू आती है, खुशबू भी अच्छी है, आपको इरिटेट नहीं करेगी। एंड इट्स अ नाइस, ये आप डेली इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बात इसकी बहुत अच्छी है। एंड यूज़ कैसे करना है आपने, अपने इंटीमेट एरियाज़ को पहले आप क्लीन कर लीजिए और एक्सटर्नली ही यूज़ करना है, इंटरनल आपने इस पाउडर को नहीं डालना है। एक्सटर्नली आपने वहाँ पे अच्छे से पहले अपने एरिया को पोछ लीजिए, पसीना एक्यूमुलेटेड होगा ना तो पसीने के ऊपर से ना अप्लाई कीजिएगा, अच्छे से उसे पहले पोछ लीजिए और इसे उसके ऊपर अप्लाई कीजिए इवनली। एंड वन डे में आप देखेंगे आपको फ़र्क नज़र आना चालू हो गया है गाइस, तो इट इज़ रियली वेरी गुड, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, आपको ये मेडिकल स्टोर में या आपको ये जो है लोकल मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होगा। शर्म आती है, शाय फील होता है ऐसा प्रोडक्ट के बारे में पूछना, तो ऑनलाइन लिंक मैं नीचे मैंशन कर रही हूँ, तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं गाइस, क्योंकि ये अच्छा प्रोडक्ट है तो डेफ़िनेटली इसे यूज़ करना बनता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है दोस्तों, बस मैं ये कह रही हूँ कि अच्छा प्रोडक्ट है, तो महिलाओं को हम देखते हैं कि ऐसी तकलीफ़ होती है तो उन्हें तो मतलब ये ऐसी चीज़ें जो है रेकमेंड करनी ही चाहिए। अगर आपके मन में कुछ ऐसा खटता है कि नहीं मतलब एंड ऑल, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर्स कंप्लीट उन्होंने परमिशन दी हुई है कि वो यही रेकमेंड करते हैं, बट फिर भी अगर आपके मन में कुछ है तो आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लीजिएगा इसे यूज़ करने से पहले। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि प्रेगनेंसी में आपने इसे नहीं यूज़ करना है और इंटरनली इसे नहीं डालना है, एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही है ये सिर्फ।
तो ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी कंप्लीट रिव्यू क्लीन एंड ड्राई इंटीमेट पाउडर के रिलेटेड। एंड उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रिव्यू जो है पसंद आई है। एंड मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके आगे बहुत क्लियरली रख दिए गाइस। फिर भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं गाइस। तो ठीक है दोस्तों, एंड बताइएगा ज़रूर आपको ये रिव्यू लगी भी कैसी है। ठीक है गाइज़, इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा गाइज़। और मेरा एक और चैनल है जो कि है डेली टिप्स, वहाँ पे मैं कुकिंग और DIYs की वीडियो डालती हूँ, तो आप उस पर भी ज़रूर विज़िट कीजिए, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ गाइज़। तो ठीक है दोस्तों, ये थी कंप्लीट रिव्यू, एंड मिलती हूँ आप सभी को अगली वीडियो में। लव यू ऑल गाइज़, बाय।